हे दोस्तों, youhelpsr.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं शिवराज चौधरी आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये कहा था कि 10th पास भर्ती का हम नया वीडियो बनाएं, तो आज का जो ये वीडियो है वो 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए है। तो जितने भी ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो भी 10वीं कक्षा पास है वो सब इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये जो भर्ती है वो केंद्र सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये जॉब रहेगी। ऑफिस जो है आपका रहेगा मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर में, ये वैकेंसी आई है। 10वीं पास इसके लिए योग्यता है। इस भर्ती की सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी भर्ती की फ्री में जानकारी आपको घर बैठे मिल सके। चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर में 10वीं पास कैंडिडेट्स की भर्ती आई है, जिसके लिए अलग अलग पोस्ट पर ये जो है वो वैकेंसी आई है, जैसे वार्ड सहायिका, सफाई वाली, वॉशरमैन और मैसेंजर, बार्बर, कुक, इस तरह से अलग अलग पोस्ट पर ये वैकेंसी है और सबके लिए अच्छा पे स्केल दिया गया है। 10वीं कक्षा के हिसाब से यहाँ पर बहुत बढ़िया पे स्केल है, 5200 से 20200, 1800 वाला ग्रेड पे तो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर आपकी बनेगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ वार्ड सहायिका की। यहाँ पर 10 सीट है और देख सकते हैं जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस की सीट भी है यहाँ पर। अगली पोस्ट यहाँ पर सफाई वाली, एमटीएस, मैसेंजर की पोस्ट है, उसके बाद बारबर, कुक, वॉशरमैन, इस तरह से आप देख सकते हैं ये अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट दी गई है। तो जितने भी 10वीं पास कैंडिडेट्स हैं वो इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एज की बात करें, कम से कम आपकी उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए और ओबीसी के लिए यहाँ पर 25 वर्ष दी गई है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एससी एसटी के लिए 30 साल एज लिमिट है, ओबीसी के लिए 28 साल है। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं सबके लिए जो है वो 10वीं पास है। तो जितनी भी ये सारी पोस्ट है, आई थिंक इतनी 8-6 पोस्ट है यहाँ पर, इन सभी पोस्ट के लिए सिर्फ योग्यता जो है वो 10th पास आप होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको ये जो भी पोस्ट दी गई इनके काम का कुछ अनुभव है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन मेनली अगर सिर्फ आपके पास 10वीं पास है तो इसका आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना रहता है तो कमेंट पर जाकर के पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो हम कौन सी वैकेंसी बनाएं, 10वीं, 12वीं या फिर ग्रेजुएशन बेस पे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, इसका फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा। फॉर्म मैं बता देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लास्ट में देखिएगा, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। कैसे भरना है इसका, आपको A4 साइज पर जो है वो प्रिंट आउट निकाल लेना है। यहाँ पर आपको फ़ोटो जो है अपनी लगाना है, नाम और सारी डिटेल आपको फिल कर देना है। पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको बाय हैंड फिल करना है और साइन वगैरह कर दीजिएगा अपने, अपनी 10वीं कक्षा की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट और जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा देंगे तो उनको ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ एक लिफाफा सेंड करिएगा जिसमें आप अपने घर का एड्रेस ज़रूर लिख दीजिएगा और उसमें 25 रुपये का पोस्टल स्टाम्प ज़रूर चिपका दीजिएगा ताकि आपका एडमिट कार्ड उस लिफाफे के थ्रू आपके घर तक जो है वो आ जाए। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन भेजना है। किस एड्रेस पर भेजना है, सबसे पहले क्या आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, बाय हैंड एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिएगा, सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लगाइएगा। और किस एड्रेस पर आपको भेजना है, टू द कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर, 482001, इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। और जिस लिफाफे से आप भेजेंगे उसके ऊपर ये ज़रूर लिख दीजिएगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो और एक और बात यहाँ पर क्लियरली दी गई है कि आपको स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भेजना है, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको भेजना है ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य पोस्ट से टिकट लगा करके आपको भेजना है, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट मत करिएगा, ऑर्डिनरी पोस्ट यानी कि पोस्ट ऑफिस पे जाइएगा, टिकट लीजिएगा 10 रुपये 20 रुपये की जितनी की भी लगे, और वो सारी टिकट जो है आप लिफाफे के ऊपर ही चिपका करके इसको जो है वो पोस्टल जो भी बॉक्स रहता है उस पर डाल दीजिएगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट मत करिएगा। फॉर्म को जो भेजने की लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर से पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है उनके ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट पर जाकर के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।